आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक होने से हुए हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग बीमार हैं। लेकिन अब लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर यह कौन सी गैस है जो इतनी जहरीली है। जिस प्लांट से गैस लीक हुई उसमें क्या बनता है और उसमें इस गैस का क्या इस्तेमाल है, आइए आपको बताते हैं इन सभी सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करते हैं गैस की। विशाखापट्टनम में जो केमिकल लीक हुआ है वह स्टीरीन है, जिसे एथनील बेंजीन भी कहा जाता है। यह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, साथ ही यह एक सिंथेटिक केमिकल है जो रंगहीन लिक्विड के रूप में दिखाई देता है। हालांकि काफी समय से इस गैस को रखा जाए तो यह हल्के पीले रंग की दिखाई देती है। स्टीरीन बहुत ही ज्वलनशील होता है और यह जब जलती है तो बहुत ही जहरीली गैस रिलीज करती है। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर डी रघुनाथ राव के मुताबिक स्टीरीन का इस्तेमाल मुख्य तौर पर पॉलिस्टीरीन प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि यह गैस कितनी खतरनाक है। इस गैस की चपेट में आने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरह खराब हो सकता है, सुनने की क्षमता भी खत्म हो सकती है और दिमागी संतुलन भी खत्म हो सकता है। बाहरी वातावरण में आने के बाद स्टीरीन ऑक्सीजन के साथ आसानी से मिक्स हो जाती है। इसकी वजह से हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। इसके संपर्क में आने के बाद लोगों के फेफड़ों पर बुरी तरह असर पड़ता है और वे घुटन महसूस करने लगते हैं। यह गैस बाद में दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर भी असर डालती है। इस वजह से गैस के संपर्क में आने वाले स्थानीय लोग सड़कों पर इधर उधर गिरने लगे थे। कुछ डॉक्टरों ने बताया कि स्टीरीन न्यूरोटॉक्सिन गैस है, जिसके संपर्क में आने के बाद सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे 10 मिनट के भीतर प्रभावित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। विशाखापट्टनम में जिस जगह गैस लीक हुई उसके 3 किलोमीटर के दायरे में दहशत फैल गई। सड़कों पर लोग बेसुध पड़े हुए मिले, कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो कई के शरीर पर चकत्ते पड़ने लगे और आंखों में जलन की शिकायत भी कर रहे थे। आपको बता दें कि यह गैस विशाखा साउथ कोरियन कंपनी LG पॉलीमर्स के प्लांट से लीक हुई थी। इस प्लांट में पॉलिस्टीरीन बनाई जाती है, यानी ऐसी प्लास्टिक जिसका खिलौनों और बाकी उपकरणों को बनाने के दौरान बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट में स्टीरीन गैस का इस्तेमाल इसी प्लास्टिक को बनाने के लिए हो रहा था। यह प्लांट विशाखापट्टनम शहर के बाहरी हिस्से में मौजूद है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।